हम माँ बानी, धरती माँ, ज्ञान के विरोध, अज्ञान के पहली पहचान और शक्ति पर अभिमान, अज्ञान के चरम सीमा बा, जे कि अपन शक्ति पर अभिमान हो गए, समझला कि ओकर चरित्र में कौनो न कौनो ओर से दुर्बलता प्रवेश कर ले लेबा। विद्या सदा से ए धरती के सबसे महान शक्ति बा और सदा सबसे महान शक्ति रही। महिष्मति नरेश सहस्त्रार्जुन समझ रहल बा कि उ विद्या और ज्ञान के मिटा सकेला, किंतु हम जानत बानी कि जौन दिन ज्ञान और विद्या के अंत भइल, ओही दिन ए सृष्टि के भी अंत हो जाए। सहस्त्रार्जुन की अभी ज्ञात नहीं खे कि ओकर शक्ति और ओकर अभिमान के चूर करे वाला ए संसार में आ चुकल बा। ऋषि जमदग्नि के गोद में खेलत शिशु के आंख से निकले वाला चिंगारी के देखत ही हम जान गई नहीं कि अब सहस्त्रार्जुन के संसार में आग लगे ही वाला बा। का करी, विवश बानी नियम ना तोड़ सके नहीं। का भइल सर्वेश्वर, कौन नियम के बात कर रहल बानी रउआ? महादेवी धरती पर हमार अंश, धरती खातिर बनावल गइल नियम से बाध्य बा। यही से समय से पहले बड़ा ना हो सकेला, ना तो जी में आवेला कि वो दुष्ट सबके सिर काट के धूल में मिला दी जे हमार माता पिता के कष्ट दे रहल बा। सत्य कहत बानी रउआ, जौन संतान माता पिता के कष्ट पर मौन रह जाए वो अयोग्य और कर्महीन हो खेले। बाकी ये आतंक केवल माता पिता के कष्ट तक सीमित नहीं है महादेवी, विद्यार्थियों की शिक्षा के भी हानि हो रहल बा। सहस्त्रार्जुन उनके एगो स्थान पर टिके ही नहीं खेते तो उनकर शिक्षा पूरा कैसे होगी? महादेवी ऋषि जमदग्नि रात्रि में भी शिक्षा ऐसे प्रदान कर रहल बाड़े जैसे दिन के हानि के पूर्ति होगी। परंतु ऐसा स्थिति में विद्यार्थियों के मनास्थिति कुछ ऐसा हो जाला कि उनकर पूरा ध्यान शिक्षा पर ना रहेला। आचार्य भयभीत बाड़े, शिक्षार्थी आतंकित बाड़े और इस सब कुछ देख के भी हम कुछ ना कर सकेंगे महादेवी, हम कुछ भी ना कर सकेंगे महादेवी। महादेवी हमार स्थिति वो ज्वालामुखी जैसन बा जेकर लावा भीतर ही भीतर उबल रहल बा, परंतु पर्वत के मुंह बंद होके के कारण वो फट के बाहर ना आ सकेला। धैर्य रखी कमल नयन, हम सब ब्रह्मा के नियम से बाध्य बानी। बाध्य बानी, बाध्य बानी, रउआ वह कह रहा बानी जौन पिताश्री जमदग्नि कहले राले। हमरा समक्ष और उपाय ही काबा। पुत्र राम, राम कहाँ गए? ना, स्वामी थक के सूतल बड़े, इनकी जगावल उचित ना होगी, हम स्वयं देखत बने। राम, राम कहाँ गए होगे? राम, 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 इतु का करल बड़ा? शास्त्र बना रहल बानी हम। काहे खातिर? राजा के मारे खातिर। हे दुष्ट सहस्त्र अर्जुन, देख तोरा कारण ही का हो रहल बा।
जौन बालक मुख से शस्त्र शब्द के उच्चारण ना कर पावत रहल, आज यू शस्त्र बना रहल बा। तू एगो बालक से होकर बालपन छीन ले बड़े। संसार तो के ए बात खातिर कभी क्षमा ना करी। महाराज राव अभियान के कारण अब हमनी के स्वतंत्रता पर अंकुश लगावे वाला केहू नहीं। महाराज, हमके तो लागत बा कि समस्त धर्म संसद के साहस शिथिल हो चुकल बा। ऋषि लोग के पता चल चुकल बा कि वो हमनी के शक्ति के समक्ष ठहर ना सकेले। माहिष्मति नरेश के जय होके। कहीं सेनापति जी, कितना आश्रम के अग्नि के भेंट चढ़ा के आ रहल बानी रहुआ। माहिष्मति नरेश के तेज में वृद्धि होके माहिष्मति क्षेत्र के सब आश्रम के जला दिहल गइल बा। किंतु किंतु का आश्चर्य के बात बा महाराज, कि एक दिन में हमनी के जितना आश्रम जरावेली, दूसरा दिन ओसे कहीं अधिक आश्रम धरती पर उभर आवेला। और ई सब देख के हमनी के सैनिक सब के साहस शिथिल पर जा रहल बा। महाराज, काई उचित ना होखी कि यह अन्याय और सहन शक्ति के खेल के अब बंद कर दिहल जाए। सेनापति, यदि तू हमार पिताश्री के समय से हमार सेवक ना रहल होता तो हम तुहारे दुस्साहस के उत्तर अपन खड़क से देती। कार तुहार हृदय में ये दुष्ट विषयन खातिर सहानुभूति उत्पन्न हो रहल बा? हमें इतना साहस नहीं है महाराज। तो फिर तो ऐसा बात काहे कैला? एकर एगो और कारण बा महाराज। का कारण बा? एकर कारण ई बा महाराज, कि हम कुछ समय से देख रहल बानी कि ऋषि अपन आश्रम केवल यही से इतना शीघ्र बना लेवे लें, काहे कि प्रजा उनकर साथ दे रहल बिया। प्रजा में से कुछ श्रेष्ठ नागरिक आश्रम के अपन संरक्षण दे रहल बाड़े। सत्य ते ई बा महाराज कि ऊ लोग उनके प्रोत्साहन दे रहल बाड़े। तो उनके भी दंड देहल जाई? ई तो और भी अनुचित होगी महाराज, ऐसे तो प्रजा के ही रोष विद्रोह के रूप ले सकेला। ई सोचल तुहार काम नहीं खे। हम प्रजा और ओकर विद्रोह से निपटल भली भांति जाननी प्रजापति। तू अपन कार्य करत रहा, हमनी के क्षेत्र में एक भी आश्रम ना पनपे के चाही। जा। जौन आज्ञा महाराज। श्री जमदग्नि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। राम, देवी राम कहाँ बा? ओके बुलाई आज ओकर उपनयन होके के बा और ओके यज्ञ के समस्त नियम भी समझावे के बा। स्वामी, हम तो ओके आवे के कह ले रहनी, ना जाने वो कहाँ रह गेल। हम गुरु पुत्र के वन में स्थित खंडहर के ओर ही जात देख ले रानी। खंडहर के ओर? हाँ गुरुदेव, हम कहले भी रानी कि यज्ञ के समय हो रहल बा। तू का कहलस? वो कहले तू जा, हम आ जाई। तू जा और ओके लेके आवा। जी गुरु माता। ठहरा, तू सब यहीं रह, हम ओके लेके आवत बानी। लक्ष्य बदल गिलवा पुत्र,
तनिक भी नहीं किया बदल पिताश्री। देखी ठीक हो स्थान पर बा जेका हम बाढ़ खाते चुनने रहनी। हमें लक्ष्य के बात नहीं की कर रहा पुत्र, हमें लक्ष्य के बात नहीं की कर रहा। जन तू कर रहा बाड़ न पुत्र, वो हमने के जीवन के लक्ष्य नहीं किए। काहे पिताश्री? यही से कि हमने के जीवन के लक्ष्य कुछ और बा पुत्र। हमने के ब्राह्मण बानी, हमने के कर्म ज्ञान दिहल बा, शास्त्र के प्रचार कैल बा, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कैल बा और समाज के अधिक से अधिक शिक्षित कैल बा। का हमने के लक्ष्य चुपचाप अत्याचार सहत रहे के बा? का हमने के लक्ष्य यह बाकी नित दिन हमने के घर और आश्रम फुकल जात रहे और हमने के पशु की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे हकल जात रही? ये हमने के नियति बा पुत्र, हमने के भाग्य बा। क्षमा करी पिताश्री, कबो कबो हमने के नियति और भाग्य जैसन शब्द के प्रयोग हुआ भी कर बैठे नी, जहाँ कायरता के शब्द अधिक शोभा देवेला। ना पुत्र, सहनशीलता कायरता ना होखेला पुत्र। हमने के जेके सहनशीलता कह रहल बानी, समय और इतिहासों के पलायन बाद के नाम दी, सत्य से भागे के चेष्टा कह के पुकारी। हाँ पिताश्री, यदि अत्याचार के हाथ ना रोकल गई, दमन के कलाई ना मरोड़ल गई, तो एक एक करके हमने के सब आचार्य भी अपन अपन आश्रम के भांति अग्नि के भेंट चढ़ जाई हैं। जब ज्ञान के भंडार ही लूट जाई, ओकर भंडार ही समाप्त हो जाई, तो कहाँ करब हमने के ज्ञान दान, कहाँ करब शास्त्र के प्रचार, के बची सब विचार करे खातिर। उस समय पिताश्री केहू के हमने के सहनशीलता के ध्यान ना आई, इतिहास हमने पे कायरता और दुर्बलता के आरोप लगाई। पुत्र क्षमा करी पिताश्री, अभी हमके शास्त्र सीखे दी ही, शास्त्र पढ़े खातिर और बहुत समय शेष बा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। राम, ये फल फूल ये रक्षाबंधन इस सब लेके हमरा लगे का है इल बड़ा? हमके रहुआ के अपन गुरु बनावे के बा पिताश्री। गुरु? हम तो तुहार जन्म से ही गुरु बानी पुत्र। आज तक तोहके जौन भी शिक्षा मिलल बा, वो कैसे मिलल बा पुत्र? निसंदेह रहुआ से मिलल बा पिताश्री, परंतु वो तो शास्त्र विद्या सिखौले रहनी रहुआ। अब तक रहुआ शास्त्रीय नियम के शिक्षा देत रहनी। हम समझनी ना, तू और का चाहत बड़ा पुत्र? रहुआ से शास्त्र विद्या सीखे चाहत बानी। पुत्र, हम पहले भी तो उसे कह चुकल बानी कि हम तो के शास्त्र विद्या ना सिखा सके। का हम पूछ सके नी कि जब आप समस्त राजा और राजपुत्र के शास्त्र विद्या सिखा सके नी, तो अपन ही पुत्र के काहे ना सिखा सके नी? राजपुत्र क्षत्रिय होखेला पुत्र, शास्त्र विद्या के संपूर्ण जानकारी क्षत्रिय धर्म के अंश बा, बल्कि स्वयं क्षत्रिय धर्म बा। तू ब्राह्मण पुत्र बाड़ा पुत्र, तुहार कर्म क्षेत्र शास्त्र विद्या बा। कर्म क्षेत्र परिवर्तित भी तो हो सकेला ना पिताश्री? ना, एगो ब्राह्मण के कर्म क्षेत्र कभी न बदल सकेला पुत्र। क्षमा करी पिताश्री, यदि ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय होके ब्राह्मण धर्म के पालन कर सकेले, आचार्य बन सकेले, तो हम ब्राह्मण होके क्षत्रिय धर्म काहे न स्वीकार कर सके नहीं? हम दूसरा के कर्म के उत्तरदायी नहीं थी पुत्र, परंतु जहाँ तक हमार प्रश्न बा, हम एगो भ्रष्ट परंपरा प्रारंभ करे के अपराध न कर सके। हम शिक्षक बानी पुत्र, और हम चाहत बानी कि तू भी शिक्षक बना, शिक्षा के प्रचार कर। अपन निर्णय बदल द पुत्र। हम निर्णय ना बदल सके नहीं पिताश्री, गुरु अवश्य बदल सके नहीं। का? जदि रहुआ गुरु बनल स्वीकार भी ना करब, तब भी हमार उत्साह कम ना होगी। हम अपना खातिर गुरु खोज के रहब, और वो गुरु हमके जब और जहाँ मिली है, हम उनका शिष्य बनल स्वीकार कर ले। क्षमा करी पिताश्री।
माता श्री माते हमरा बुलौली रहुआ माते। हाँ, तनी जाके देखा कि पुत्र राम कहाँ गइल बा। तोहर पिताश्री ओकर खोज में भी गइले, बाकी अब तक ना ऊ लौटल बाड़े और ना ही पुत्र राम। रेणुका, ऊ अब लौटी भी ना। ई रहुआ कैसन अशुभ बात कर रहल बानी स्वामी, काहे ना लौटी हमार पुत्र, कहाँ गइल बा? रेणुका, राउर पुत्र एगो ऐसन पथ पर निकल पड़ल बा कि यदि वहां से वापस लौट के आयल भी तो ऊ ना रही जेकर हुआ जन्म देले बानी, ऊ ना रही जेकर हम पालन पोषण के लिए रहनी। रहुआ रहुआ ये कैसन बात कर रहल बानी स्वामी, हमार तो प्राण निकलल जा रहल बा। रहुआ स्पष्ट रूप से काहे नहीं की कहत, का भइल बा हमार पुत्र के, कौन पथ पर वो चल निकलल बा स्वामी? हम सत्य कह रहल बानी रेणुका, जौन डगर पर राउर पुत्र यात्रा कर रहल बा उ डगर हमनी के संस्कार के ओर ना जाला, हमनी के सिद्धांत के विपरीत बा। रउआ का पहले बुझावे के सौगंध खा रखले बानी स्वामी, रउआ रउआ काहे हमार व्याकुलता बढ़ा रहल बानी? रेणुका, हमनी के पुत्र ब्राह्मण संस्कार त्याग के क्षत्रिय संस्कार अपना ले लेबा, उस शास्त्र के छोड़ के शस्त्र के थाम ले लेबा, ज्ञान शिक्षा विद्या के मार्ग से हटके वो युद्ध आक्रमण और रणभूमि के मार्ग की ओर मुड़ गइल बा रेणुका। इता हो कहीं के रहल? कहाँ हो कहीं के रहल रेणुका? पुत्र तू जा। अच्छा माता, हम तो जानत रहनी स्वामी कि ऐसन होखे वाला बा और संभवता ऐसन ही होखी। अब रउआ पहली बुझा रहल बानी? ना स्वामी, हम कौनो पहली नहीं के बुझा रहे। यदि हमनी के पुत्र ब्राह्मण कर्म त्याग कर क्षत्रिय कर्म अपनावे के निर्णय कैले बा त एकर संगे एगो पुरान घटना जुड़ल बा। घटना? कैसन घटना? रवा तो जानत ही बानी स्वामी, हमार भाती हमार माता श्री कौनो ब्राह्मण के पत्नी ना रहली, एगो क्षत्रिय के पत्नी रहली और उनकर कौनो पुत्र ना रहल। जानत बानी। उ पुत्र इच्छा से आतुर होके ऋषि ऋचिक के लगे गईली और उनसे प्रार्थना कैली कि वो कुछ ऐसा उपाय करे जैसे उनके भी एगो पुत्र के प्राप्ति होखे। वैसे स्त्रियन में पुत्र के इच्छा अधिक प्रबल होखेला देवी। रवा सत्य कहत बानी स्वामी, यही इच्छा के अधीन होके और ऋषि ऋचिक के लगे गईली। ऋषि उनके औषधि मिलन एगो खीर खाए के दिले, माताश्री हमार खातिर भी खीर मंगली, तरेश्वर प्रसाद के रूप में हमार खातिर भी खीर प्रदान कैले और कहले कि एकर प्रयोग से उनके एगो वीर क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और हमके एगो विद्वान ब्राह्मण पुत्र के। तो फिर का भइल? माताश्री जब घरे लौटली तो उ ई भूल चुकल रहली कि खीर के कौन प्याला उनका खातिर बा और कौन हमार खातिर। फलस्वरूप भूल से हम वो प्याला के खीर पी लीनी जौन हमार माताश्री खातिर दिहल गइल रहल। ते इसे का अंतर पड़ल? ओ समय तो अंतर ना पड़ल, बाकी अब पड़ रहल बा। हम कुछ समझ नहीं ना रेणुका। ऋषि ऋचिक के वरदान से जौन क्षत्रिय पुत्र के जन्म हमार माताश्री के कोख से होके के रहल, ओकर जन्म हमार कोख से भइल। पुत्र राम के क्षत्रिय संस्कार ओही घटना के देन बा स्वामी। ओ क्षत्रिय वंश में विश्वामित्र जन्म लीले जे कर्म से ब्राह्मण भेले,
और हमने की राम कर्म से क्षत्रिय सिद्ध हो रहल बा स्वामी। महिष्मती नरेश के जय होके प्रणाम महारानी। सेवक राउर आदेशानुसार आपन अभियान संपन्न करके लौट आइल बा। सेनापति कितना राज्य के हमारा अधीन बना के लौटल बाड़ा। महाराज रउआ की जान के प्रसन्नता होखी कि आस पास के 25 क्षेत्र जे कल तक के अपना आप के स्वाधीन समझत रहले आज महिष्मती के अधीनता के अपन गौरव समझ रहल बाड़े। कुछ अपन इच्छा के अनुसार और कुछ महाराज के बढ़त शक्ति के भय से। प्रसन्नता तो भइल बा सेनापति, परंतु ही प्रसन्नता अभी अधूरा बा। हमार राज्य के चारों ओर 50 क्षेत्र बा, 25 हमार अधीनता स्वीकार कर लेले बाड़न, 25 अभी भी शेष बा। तो प्रसन्नता भी 50% होखी ना, पूरा कैसे हो सकेला। किंतु स्वामी शेष 25 राज्य तो हमनी के मित्र राज्य बाड़े। उ राज्य के नरेश तो हर पग पे रउआ से सहयोग करत रहल बाड़े। ना प्रिय ना ना, ये तो अन्याय होखी कि शत्रु हमार शक्ति के पहचान ले, ओके समझ ले और हमार मित्र हमके शक्तिशाली समझे के स्थान पर हम क्या पर मित्र ही समझत रहे। हम ये अनर्थ कैसे कर सके नी। तो रउआ करे के का चाहत बानी। रउआ स्वयं देख ले महारानी। सेनापति महाराज हमार मित्र राजा लोके कल हमार समक्ष उपस्थित होके के निमंत्रण दा। जौन आज्ञा महाराज। कमल नयन, हे पद्मनाभ, उमुख जेकर ध्यान आवत ही मन में आशा के उजाला कई जाला, जेकर नाम लेते नेत्र में आशा दीप जगमगा उठेला, ओही मुख पर आज चिंता की छाया देख के हम अत्यंत चिंतित हो रहल बानी। कौन चिंता रउआ की घेर रख लेबा। चिंता ता ना महादेवी, परंतु हाँ एगो विडंबना हमार विचारन के घेर ले लेबा। तनिक हम भी तो सुनी ओ कौन विडंबना भिया। महादेवी हम मानव जीवन के ओ विडंबना के बारे में विचार करत रहनी कि मानव कबो कबो बने के कुछ चाहेला और परिस्थिति ओ के कुछ और बना देवे ले। कराउर संकेत रेणुका पुत्र राम के ओर बा। हाँ हाँ महादेवी, देखी ना हमार ई अंश प्रथम बार पूर्ण मानव रूप में जन्म लेलस और वो भी एगो विद्वान एगो गुरु एगो आचार्य के घर में एगो सुशील नारी के गोद में जन्म लेलस। ओकर रूप में मानव समाज के एगो विद्वान एगो गुरु और एगो आचार्य भी मिल सकत रहल, परंतु परिस्थिति ओके योद्धा बने पर विवश कर रहल बिया महादेवी। ओकर हाथ से पुस्तक छीन के ओमे शस्त्र थमा रहल बिया। जौन दोनों हाथ से ज्ञान लुटा सकत रहल महादेवी, ओकर दोनों हाथ में धनुष और बाण पकड़ा देलस परिस्थिति। हाँ कमल नयन, जे शांति के संदेश दे सकत रहल ओ युद्ध के उपदेश दे रहल बा। जे के ओ मार्ग पर जाए के रहल जहाँ विद्या ज्ञान और शांति बा, ओ मार्ग पर निकल पड़ल बा जहाँ युद्ध आग और रक्त बा। किंतु एमे ओकर कौनो दोष नहीं थे। कमल नयन तहुआ सर्वथा उचित शब्द के प्रयोग कैले बानी, परिस्थितियों के विवश कैले बिया। ओ ए मार्ग पर अपन इच्छा से नहीं खे आयल, ओके मार्ग पर ढकेल दिहल गयल बा और एक ही कारण बा सहस्त्रार्जुन। काहे कर रहल बा वो ये दुष्कर्म।
महादेवी मानव के जीवन शांत और सुखी बनावे खातिर ईश्वर ओकर मार्ग में सहस्त्रों दीप जलोले बाड़े। ओकरा लगे वेद शास्त्र और अनेक अनेक धर्म ग्रंथ भेजले बाड़े, जेमे जीवन के सिद्धांत के वर्णन कइल बा, जीवन के सीमा के परिभाषा लिखल बा। ए सिद्धांत और सीमा के राजा के अपना ढंग से माने के रहल और प्रजा के अपना ढंग से। किंतु सहस्त्रार्जुन के प्रजा तो आज भी ए सिद्धांत नियम और सीमा के पालन कर रहल बिया कमल नयन। परंतु सहस्त्रार्जुन तो नहीं के मान रहल ना महादेवी। महादेवी जब कोनो राजा या कोनो सत्ताधारी वर्ग ए भ्रम में पड़ जाला कि वो केवल एगो राजा बा, एगो स्वामी बा, और ये भूल जाला कि वो प्रजा के सेवक बा, प्रजा के रखवाला बा। जब सत्ताधारी वर्ग सिद्धांत के प्रतिबंध समझ के और सीमा के रोक समझ के ओके तोड़े के प्रयास करेला तो निरंकुश बने लगेला और तबे सब उलझन उत्पन्न होखेला। महादेवी सत्ताधारी वर्ग के निरंकुशता दमन के जन्म देले। दमन उत्पात के कारण बनेला, उत्पात अराजकता उत्पन्न करेला और फिर अराजकता विद्रोह के रूप धारण कर लेले। महादेवी जब पीड़ित और आतंकित वर्ग के पीठ पीछे हटत हटत दीवार से लग जाला महादेवी, जब उनकर खातिर और पीछे हटल संभव ही ना होखेला तो फिर वो अपन प्राण की रक्षा करे खातिर आगे बढ़ जाले। वो आक्रामक रूप धारण कर ले, विद्रोही बन जाले। मानव जीवन की एगो विषम मोड़ होखेला महादेवी, जौन मोड़ पर समाज बदलेला, इतिहास बदलेला। ना हम ना भागब, हम शत्रु के सामना करब। शस्त्र अर्जुन के विश्वास हो गए बा कि हमनी के ओकर आगे ठहर ना सकेले। हमनी के विद्यार्थी बानी, शास्त्रीय बानी, हमनी के हाथ में पुस्तक बा, शस्त्र ना। हमनी के ओकर आतंक के समक्ष चुपचाप सर झुका दे, यही से ओकर साहस दिन पर दिन बढ़त जा रहल बा। सत कहत बानी रवा गुरुपुत्र, ए आतंक पर रोक लगे के ही चाही। और ओकर एक ही ढंग बा, सहस्त्र अर्जुन के बता दिहल जाए कि हमनी के मन से ओकर आतंक के भय निकल चुकल बा। हमनी के ओकर सामने ठहरे के साहस जुटा लेले बानी। यदि हमनी पे आक्रमण होखी तो हमनी के अपन रक्षा करब, हमनी के मरे ही पड़ल तो हमनी के मार के मरब। बोला का तू हमारे संगे बाड़ा? हाँ, हम सब तो संगे बानी। Thank you.
चला। मंदिर में देखल जाए। कहां छुप गई? जिसके मन पर रात दिन होता रहे प्रहार, सहन करे चुपचाप वह कब तक अत्याचार। मिल जाए जग में जिसे शिव शंकर की छां, स्वयं वज्र बन जाएगी उस मानव की बाह, उस मानव की बाह। जो तूने पथ पे चल सुजान विष्णु पुराण।